बेटा बहुत मुबारक हो आपको, बहुत प्यारी लग रही है। रह गया है वो, फोन करो उसको। एक्चुअली मैं खुद करती हूँ, एक्सक्यूज मी। हेलो, कहाँ हो तुम? आई एम लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। मेरा कुछ खो गया है, उसे देख रहा हूँ। डोंट टेल मी दिस। अब ये ना कहना कि तुम्हारा सेल फिर खो गया है। जल्दी आओ, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। बाय। सब ठीक है? सोच में घूमू कुछ नहीं। वैसे हमारे ससुराल वाले कितने अच्छे लोग हैं ना, दिखावा और बनावट बिल्कुल भी नहीं है उन लोगों में। हाँ। मुझे समीर जादे की माँ का दिखावा बिल्कुल ठीक नहीं लगा। आज सोचकर उन्होंने बीजी के हाथ में इतने सारे नोट थमा दिए, मुझे तो बीजी पे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। ओह, तुमने भी देख लिया था सारा तमाशा? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था, और उस वक्त बीजी बेचारी क्या करती, बस ये तमाशा लग जाना था। उस औरत का तो मकसद ही इलाके की औरतों के सामने ड्रामा करना था, अपनी इमारत का रोक झाड़ने के लिए। कितना नखरा था ना उसके अंदाज में। आखिर माँ किसकी? दुनिया के सबसे बड़े दिखावेबाज और नखरेबाज। आपी, सच कहूं तो मुझे ना उसकी आंखों में पछतावा नजर आ रहा था, शदीद पछतावा। उसके पछतावे कि उसकी नजरों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इस बात की जलन है कि मेरी मंगनी ठीक उसी दिन हुई है जिस दिन उसको ये ड्रामा करना था। वो तो यही सोच रहा होगा कि मैं उसकी जुदाई में जोगन बनी जंगलों में निकल गई होंगी। वो नहीं जानता कि उसका पाला धानी से पड़ा है। हाँ, देखा था मैंने तुम्हें, देखते ही कैसा हक्का बक्का रह गया था,
जैसे सांप सूंघ गया हो। अमीरजादों के लिए हम जैसों की तकलीफ सिर्फ एक तमाशा होती है। तमाशे तो देखने आई थी ये सब। कह दूंगी अब्बा से कल जाके इनके पैसे और इनके जेवरात लौटा आए और शुक्रिया कर दिया। हमें कोई जरूरत नहीं इनके तोहफों की। अच्छा खैर छोड़ो अपना मूड ना खराब करो ना। अब तुम सिर्फ अपने होने वाले उनके बारे में सोचो। बकवास मत करो शाम। सो जाओ मुझे भी बहुत नींद आ रही है। थोड़ी देर में बीजी भी आती होगी। सो जाओ। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा यार। समीर तू चाहता क्या है यार? बता दो तू चाहता क्या है आगे? एक बार मिलना चाहता हूँ सिर्फ एक बार यार बस। क्या होगा क्या होगा उससे एक दफा मिलने? क्या होगा यार? मैं नहीं जानता क्या होगा। नहीं जानता मैं क्या होगा। मेरा दोस्त है ना मुझे एक बार उससे मिलवा दे जिंदगी भर तुझसे फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा यार। एक बार मिलवा दे उसे मुझे। अच्छा मैं करता हूँ यार। मैं मान तो आसान नहीं है लेकिन मेरे दिल से एक कांटा तभी निकलेगा जब मैं उससे अपने दिल की बात कहूंगा यार। मेरी कैफियत समझ ना। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स मिलवाऊंगा मैं तुझे उससे। तू करेगा ना? मैं करूंगा बिल्कुल करूंगा। तुझे करना होगा। मैं करूंगा मेरे भाई मैं करूंगा। पैदल आ रहा अरे गिले ओ उस्ताद आ गए थे। तुझे कितनी दफा कहा इसके प्लग साफ कर दिया कर तू छुराई नहीं देता और झटके मार मार के बंद हो रही है ये। दिल कर इसके साथ साथ तुझे भी आग लगा दूं। उस्ताद तीन दिन पहले के प्लग साफ करवाए थे पेट्रोल ही मार्केट में दो नंबर चेक कैसे तू जिरते ही रहता है। अजीब मुल्क है अपना। प्लग साफ करो तो पेट्रोल में कचरा सारा निजाम ही दो नंबर है। उस्ताद आज तो दुकान पे कैसे? आज तो तुम लोगों ने लड़कियों का अंगूठी पहनाने नहीं जाना था। क्या कहा तूने? ओए मैं किसी को अंगूठी क्यों पहनाने जाने लगा? ये तो औरतों के काम है। और तू सुनो शपड़गुल्ले अपने काम से काम रखा कर सारा दिन बेवजह की बकवास करता रहता है। यार राजा छोड़े से माफ कर दे से छोड़। उस्ताद खुदा की कसम आज के बाद एक लफ्ज नहीं निकालूंगा जुबान से। माफ कर। चल जा दफा हो जा। और मेरे साथ कोई ज्यादा बकवास ना करे आज। दिमाग खराब है मेरा। ओए उस्ताद ओ तू केले जलता थरता रहता है। ओए अभी चार दिन नहीं गुजरे तेरे सारी जिंदगी कैसे गुजरेगी उसके बगैर? और मैं तो कहता हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा सोच ले। अगर तू कहता तो हम सारे मिलकर जाकर शेख साहब के कदमों। खबरदार खबरदार तुम में से किसी ने ये बात भी की दोबारा। अब राजा को उम्र भर इसी आग में चलना है और ये नसीब है अपना। अब मेरे मुंह कोई ना लगे बता रहा हूं तुझे। बड़ी मुबारक हो। घर वाली बता रही थी कि सारे काम ठीक तरीके से हो गए हैं और निशानी भी कर गए हैं वो लोग। हाँ पहलवान जी अल्लाह का बड़ा करम हुआ। तो वैसे भी ये औरतों की तकलीफ थी औरतों ने नुकसान दिया। बहुत मुबारक हो। दानी भी अपनी बच्ची है डॉली की तरह। अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। वैसे पहलवान जी आपकी दुकान के सामने से मैं जब भी गुजरता हूँ नजरें झुक जाती हैं वो राजा की हमाकत की वजह से। बोल जाए शेख साहब सब नसीब की बातें हैं। राजा अच्छा मुंडा है लेकिन हो सकता है डोली के नसीब में अल्लाह ने कुछ और रखा हो। ये तो आपका बड़ापन है पहलवान जी आला जरूरी है। से वो आपा कह रही थी कि बच्चियों ने खीर की फरमाइश की है तो दूध जरा ज्यादा दे। हाँ क्यों नहीं शेख साहब दूध बहुत लेकिन एक शर्त है कि खीर में से सबसे पहले शानी पुत्री को कहना हमारा हिस्सा निकाल के जरा दे जाए। ऐसा ही होगा हमेशा ऐसा ही होता है। सबसे पहला हिस्सा आपा आपका ही निकालती है।
अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। नहाल वाला बहुत दिल का एक बात तो बता बाबू मोतल, ना तू बाज आता है सलाम करने से, ना वो बाज आते हैं लाहौल बिला पढ़ने से, आखिर चक्कर क्या है? जिसका जो काम है वो किए जा रहे हैं, बताएंगे किसी ना किसी दिन। किस दिन? इस सलाम और लाहौल की कहानी भी सुनाएंगे आपको पहलवान जी। फिलहाल ये काम का वक्त है, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करता हूँ। आप ही, तुम उसका मोबाइल पकड़े यहाँ क्यों खड़ी हो? याद आ रहा है? शुरू बातें मत करो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसका फोन कैसे लौटाऊं। तोड़ के फेंक भी तो नहीं सकती, देखने में कितना कीमती लगता है। उसका कुछ पता भी नहीं है, कल आके मेरे सर पे खड़ा हो जाए, बोले मेरा मोबाइल वापस करो, तो क्या करूंगी मैं? हाँ, मामला है तो बहुत टेढ़ा। ज्यादा दिन इस फोन को अपने साथ रख भी तो नहीं सकते ना, किसी दिन बीजी आ गई और एकदम छापा मार दिया तो। ये तो परेशानी है, उसी उलझन में फंसी हुई हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुमने सिम भी तो तोड़ दी ना, रहने देती, कॉल करता तो मैं उसे कहती आके अपना मोबाइल तो ले जाए। बस उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। सिम तो मामूली सी बात है, अगर वो मेरे सामने होता ना तो मैं उसका सर भी तोड़ देती। जानती हूँ, एक बात पूछूं आप ही, तुम्हें अमजद भाई कैसे लगे? मतलब तस्वीर में। से कितनी बार कहा है जैसी बातें मत किया करो, वो जैसा भी है ठीक है। ये क्या बात हुई भला, अब उनसे मंगनी हो चुकी है तुम्हारी, इतनी भी क्या ला ताल्लुक की? मुझे नहीं पता, जब भी उसके बारे में सोचती हूँ अजीब सी उलझन में पड़ जाती हूँ। अनजान लड़का, उसे कैसे हम लड़कियों का दामन बांध दिया जाता है और फिर हमसे ये उम्मीद लगाई जाती है कि हम उस अजनबी को अपने ख्याल, अपनी सोच के दरवाजों पर पहरेदार बनाकर बिठाल दें। कितनी अजीब बात है ना। आप ही अमजद भाई अब अजनबी तो नहीं रहे ना, बाकायदा मंगनी हो चुकी है तुम दोनों की, तो क्या एक मंगनी की अंगूठी सुंगली पे पहनने से अजनबियत खत्म हो जाएगी शानी? ये अचानक कौन से दोस्त आ गए तुम्हारे बाहर से? वो कुछ पुराने दोस्त हैं अंकल, कॉलेज टाइम के। अगर आपकी परमिशन हो तो हम पुरानी हवेली में रुकना चाह रहे हैं। They will enjoy it. I have no problem. लेकिन नीचे वाले हिस्से में मेरा ऑफिस एस्टेब्लिश हो रहा है, तुम्हारे दोस्त कहीं डिस्टर्ब ना? नो प्रॉब्लम अंकल, वैसे भी हमारा सारा काम छत पर है, हम तो बस मेरा घर है, हमें चलना चाहिए, दैट बिजी होगा उसमें। इतनी जल्दी भी क्या है, कॉफी खत्म कर लूं? मैं तुम्हें कॉफी पिला दूंगा, लेट्स गो। हम शाम को ही चलेंगे, मामा को बता दीजिए। श्योर, आई विल टेल। थैंक्स। ओके अंकल, थैंक यू, बाय।